ये वीडियो का जो आइडिया है ना, ये मेरा ही था। मम्मी को चोरी करना सिखा रही है। हाँ, ले लो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। अब तुझे ये भी नहीं पता कि मैंने बोलना क्या है। यार मम्मी, मैं कैसे हेल्प करूंगी? तो हेल्प करी है मैंने, ये थोड़ा बोला तू तो चोरी कर। मम्मी हर जगह में ना देखो, अभी भी कैमरा लगा हुआ। मैंने रखी है दो गड़ियाँ। ओह, ये तो 5 की गड्डी है, 30,000 रुपए है। बता दिया? गोलू देख, मैंने अपना काम कर दिया। क्या हो गया मम्मी? मुझे माफ कर दे पाए। जो मम्मी कर रही थी अच्छी बात है क्या? क्या हुआ पाल? मैंने मम्मी को देख लिया पैसे निकालते हुए। माँ का घर ना कभी भी बेटी के घर से नहीं चलता है। हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करते हो आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो आज ना बहुत ही जबरदस्त वीडियो शूट होने वाली है। ये जो वीडियो है ना, मैं बता रही हूँ गाइस, ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल होने वाली है, इतनी ज्यादा ट्रेंड में आएगी ना, पहले बता दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में होने वाला है धमाल। धमाल क्या होने वाला है आपको आगे जाके पता चलेगा। वीडियो हम शूट कर रहे हैं कि कुछ मतलब होती है हमारी माताएं बहने जो लड़कियों घर से पैसे वैसे मंगाती हैं, खर्चा चलता है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, घर से पैसे उठा के भी लड़कियां दे देती है बाद में, तो मुझे क्या पता। तो उसी पे बना रहे, -1% ऐसे होते हैं लोग। तो वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण करेक्टर है मम्मी, क्योंकि मम्मी नहीं होगी तो वीडियो नहीं बनेगी। मम्मी ना जा रही है घर पे, मम्मी आई थी बच्चों से मिलने के लिए। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, मम्मी के जाने से पहले ना, ये वीडियो का जो आइडिया है ना, ये मेरा ही था, मैंने इनको बताया आप ऐसे बनाओ वीडियो, है ना। मम्मी को चोरी करना सिखा रही है। गाइस कोई बात नहीं, क्या चोरी करेंगी, कब चोरी करेंगे, कितने की चोरी करेंगे, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो पूरी वीडियो जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वाली जो वीडियो आपको मिलेगी ना, मिलेगी मलिक व्लॉग्स पे। आप क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? आपकी नानी के बारे में फालतू बोल रही थी। कहते मम्मी अभी घूंगने आ रहे हैं, अभी ये ना स्क्रिप्ट वाली सेंस डेवलप कर रहे हैं ध्यान से सारी। अच्छा, ये अगले 10 साल बाद करेगा। आमिर लाडी। तो यहाँ पर भैया हमारी को एक्टर खड़ी हो गई है और हाथ पैर जोड़ के उठाए इसको। मैंने बड़े हाथ पैर जोड़े, मैम प्लीज आ जाओ, शूट ना डिले हो रहा है। कह रही मेरे को ऐसे हो ना, आंख उठ के कहती है ले लो वीडियो। मम्मी कह रही ऐसे थोड़ी ना वीडियो लेते हैं, आंख बंद के हाँ ले लो, स्टार्ट करो स्टार्ट करो। आंख बनती मतलब इतना ज्यादा इसको अपने काम से प्यार है, आंख बंद करके बोली थी वीडियो ले लो फटाफट। बच्चे कहाँ और हमारे, एक आधा बच्चा और दे दिया करो, लोग कहते हैं जैद को लेके घूमते रहते। चलो मैं दिखा देती हूँ बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। दोनों बच्चे गाइस सो रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। अब फिर कमेंट आते हैं हम जैद को लेके घूमते हैं, क्या करे, जैद और चीकू अभी डाग रहे हैं, बाकी अयान और तू बस हमारी औलाद है यार। ये देखो ये कश्मीर की कली। मैं तो किसी पड़ोसी के रिश्तेदार हूँ क्या पापा? किसने बोला ये बात? इसको बोल रहा हूँ कि बच्चा है मेरा। बताइए यार, दिमाग खराब करते, इसको हॉस्टल भेज पहले। मैं क्या बताऊँ, खुद बोलो। तू इस घर का चिराग है सबसे बड़ा। मैं सो के आती हूँ, मुझे आधा घंटा डिस्टर्ब मत किया करो, मैं अपनी निंद्रा अवस्था में होती हूँ। सॉरी मैम, सॉरी मैम, सॉरी। तो गाइस जैसे मैंने बोला बच्चे सो रहे, तो आज ना हमने सेफ्टी के लिए बच्चों के लिए लगा लिए। तो ये इतना ज्यादा जरूरी था ना, इतना ज्यादा जरूरी था। और देखा तू उठाओ, तू मेरा बच्चा, मेरा चांद दुलारा, मेरा गुतर पॉय, मेरा मिथरी पॉय, मेरी सुंदरी पॉय। गाइस ये वाला जो बेड है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अयान और जैद ना 2 से 4 बार गिर चुके थे और हमें हो गई थी टेंशन। और ये बेड मैंने बड़ी ज्यादा मुश्किलों से मंगवाया है। तो देखो अब दिखाती हूँ अयान की सेफ्टी मेरे हाथों में। हम चलते हैं बाहर, क्योंकि हम कूद गए हैं सब बच्चों की सेफ्टी मामा के हाथ में। चलो पापा से मिलते हैं। मैं दिखाने गई कि दोनों बच्चे सो रहे, जैसे मैं कमरे में पहुंची एकदम कॉट के बीच में एक बच्चा था, मुझे देख के हंसा, उस बच्चे को उठा लाई। और अभी देखो यान आराम से सो रहा है, क्योंकि हमने बिछा दिए बच्चों की रेलिंग, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भी ऐसा करना, अगर आपके घर में छोटे बच्चे क्रॉल करना स्टार्ट करें ना, तो ये बेड की रेलिंग मंगवाना। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई भी ऑनलाइन साइट पे लिखना है बेड रेलिंग और ये आ जाएगा। गाइस जब आप BTS का ये देखते हो, वीडियो देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि ये वीडियो का BTS है कि गोलू की बातों का BTS है? ये कमेंट करके बताना। तो ये सारे कमेंट आएंगे, गोलू की बातें बहुत प्यारी है। अच्छा मुझे एक और एक पोल डलवाना था सबसे, हमारे जो अरमान मलिक पे व्लॉग आते हैं, आप एक टाइमिंग बताओ हम कितने बजे डालें। हम 10 बजे डालते हैं, तो जिसके सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे, यानी कि 8 बजे सुबह, 7 बजे, हम उसी टाइम से फिर व्लॉग, हम ना चेंज करना चाहते हैं टाइम अभी कुछ दिनों से। तो मैं चाहता हूँ आप बता दो मुझे कितने बजे व्लॉग आना चाहिए ना। बल बोलूंगी कि मम्मी इतने परेशान क्यों हो आप, तो आप ये बात बोलना कि गोलू तेरी डायलॉग दे रही हूँ, तो मम्मी आप ये बात बोलना कि गोलू मैं बहुत ज्यादा परेशान इसलिए हूँ क्योंकि गाड़ी की किस्त भरी जा रही है। तो बोलूंगी अच्छा, तो आपको एक्सप्लेन करना कुछ ना, क्या होता है ना, कुछ जैसे कुछ माए होती है -1% जो बेटी के घर से पैसे वैसे लेके जाती है, तो आपको इसको इमोशनल करना है, ये आपको कुछ पैसे घर से उठा के दे दे। अच्छा पहले मैं मना कर दूंगी, मैं कैसे दूंगी ये वो ये वो, तो फिर आप क्या बोलोगे? आप बताते हो, आप इंडियन ये बोल रहे हो गोलू काम कर, कहाँ रखे है तू मुझे बताते हैं, मैं और मैं तू कैमरे थोड़ी देर के लिए बंद कर दी, क्योंकि हाँ ये अच्छा आइडिया, मैं कैमरे बंद कर दूंगी, मैं आपको समझा देती हूँ, आप खुद उठा लेना ठीक है, समझ रहे हो? सीखना सीखना मत भाई।
ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस है। तो गाइस ये जस्ट एक छोटा सा एक्ट है, ये एक्ट दोबारा हमने इसलिए किया गया क्योंकि पहले जो ये इस एक्ट को ना बहुत ज्यादा प्यार दिया गया था, क्योंकि ना देखो कभी कोई अलग चीज करो ना तो लोग बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। तो बेबी शावर के टाइम पे हमने ऐसा वीडियो शूट प्रैंक किया था, मतलब व्लॉग्स पे काफी बड़ी वीडियो थी वो, तो ये वीडियो हम थोड़ी शॉर्ट बना रहे हैं। शॉर्ट में इंटरेस्टिंग पार्ट मैं गोलू को कह रही हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चन करूंगी तूने अपने आप जवाब देना है, मतलब मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े। जैसे माँ बेटी है जो बातें कर रहे हैं तो मैं जो बोलूंगी उसका जवाब तूने खुद सोच, आज मैं खुद सोच के दे दूंगी क्योंकि आज मेरे गाइस नींद पूरी है। उसने नींद पूरी थी उस दिन समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, क्योंकि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती ना दिमाग थोड़ा कम चलता है। अब तुझे ये भी नहीं पता कि मैंने बोलना क्या है तुझे, और मैं सोच लिया कि मैंने क्या बोलना है, और तू भी सोच ले जो मैं क्वेश्चन करूंगी उसका आंसर तुझे कैसे देना है। रोलिंग चुको बेटा मत हिलाना, बेटा तू हिला रहा है यार, बड़ी मुश्किलों से दो पैसे कमाने की सोच रहे तेरे लिए, तू पैसे खराब कर रहा हमारे। करें जी। चलो रोलिंग रोलिंग एक्शन। मम्मी मम्मी देखो चीकू ने कितना अच्छा कार्ड बनाया इनके लिए, अच्छा है ना। क्या हुआ आपको, इतने परेशान क्यों? अरे मैं परेशान हूँ, तेरे को पता कन्नू ने गाड़ी ले ली, और गाड़ी लेने के बाद किस्त भरी नहीं जाती, पापा का दुकान पे काम नहीं है, चीना ने नौकरी छोड़ दी है, यहाँ देख अगर बैंक में अगर नहीं पैसे भरे चेक बाउंस हो जाएगा, दोबारा दिक्कत आ जाएगी, पापा मुझे गुस्सा करेंगे कि तेरे को मैंने कहा था तू इंतजाम करियो। अब मैं तेरे को कह रही हूँ कि मेरे को कर दे थोड़े से पैसों के। यार मम्मी मैं कैसे हेल्प करूंगी, आपको तो पता है ना सारी जगह कैमरे लगे हैं, ये वॉइस वाले कैमरे हैं, पाई लो चीकू के पापा सुन लेंगे ना। अभी चोरी की थोड़ी बोला है, अभी चोरी की थोड़ी बोला है, ये तो एक्शन सीधा उसमें है। यार गोली तू तो बहुत ही घटिया एक्टर है। मम्मी अगर आप यहाँ एक साल रहेंगे ना आप इतने सब कुछ कर लोगे, पर गोलू तो बहुत ही, मैंने बड़ा सही बोला था ना सारा मिट्टी। चलो यहाँ से दोबारा लेते हैं, चलो नहीं एक बार शुरू से कर लेते हैं। आप ये आपकी बेटी है, किस पे गई है, पापा पे गई है? आप डायरेक्ट बोल देना थोड़ी हेल्प कर दोगे, तो हेल्प करी है मैंने, ये थोड़ा बोला तू चोरी कर। अच्छा तू बोलेगी मम्मी मेरे हाथ में तो पैसे है नहीं, तो आपको पता है सारे पैसे हमारे एक जगह रखे होते हैं, तो मैं तो आपकी हेल्प नहीं कर सकती, मैं कहूंगी प्लीज तू मेरी हेल्प कर दे, तू नहीं करेगी कौन करेगा बता, अगर बच्चे नहीं करेंगे माँ बाप की तो बता मैं किसके दर पे को ले ले सकता। नहीं नहीं मैं कर रही, चलो चलो नहीं पायल को ले, इस बार सही कर रहा है, ये बात तो पायल को बेटी बनाओ, पायल करेगी। अच्छा फिर तू पकड़ लिया चोरी ना, भाभी नाइस, ये तब भी नहीं पकड़, पिछली बार पिछले बार वीडियो में आप थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं। आजो भाभी आजो, आप आजो, मम्मी का खराब कर दिया इसने। मेरा पकड़ना ज्यादा अच्छा लगेगा, इसका करेक्टर वही रखो जो ये है, जो ये कर सकती है उतना ही रखो उसका, जो ये नहीं कर सकती, जो ये नहीं बन सकती वो मत दो इसको, वो और खराब होगा। एक बात बता पायल, एक बात बता, एक वीडियो में अगर एक ही टेक लिया ना दूसरे में एक ही बार में होगा, एक टेक में क्या होता है, एक ही टेक तो लिया है। चलो चलो वंस मोर रोलिंग एक्शन। मम्मी देखो चीकू ने कितना अच्छा कार्ड बनाया इनके बर्थडे के लिए, देखो ना। अच्छा क्या हुआ आपको, इतने परेशान क्यों? अरे कल कन्नू की गाड़ी की किस्त है, दुकान पे काम नहीं है, चीना ने नौकरी छोड़ दी है, कन्नू अपना जो पैसा देना होता है देता है, नहीं तो जयराम जी अब गाड़ी की किस्त अगर नहीं गई तो चेक बाउंस हो जाए। कट करो, कहाँ लगा रहा है, यहाँ से लगाना मम्मी पे। एक्शन। अब मैं ये सोच रही थी बैठे बैठे कि तेरी हेल्प लूं, अब तू कुछ मेरी हेल्प कर दे। मम्मी मैं कैसे आपकी हेल्प करूं, मेरे पास तो खुद पैसे नहीं होते, अगर पैसे होते भी हैं तो वो हम अलमारी में रखते हैं, वो भी काउंट करके रखते हैं, मैं से तो आपको दे नहीं सकती पैसे, आप एक काम करो पायल से मांग लो। मैं नहीं मांगती पायल से, नहीं मेरी शर्म आती है, तू तो मेरी बेटी है, मैंने तुझे पैदा किया है, अब तेरे से तो मेरा हक बनता है, उसको बोलूंगी वो कहेगी बिल्कुल इसके माँ बाप के पास कुछ है ही नहीं, अब तू ही मेरा लड़का है, तू ही मेरी लड़की है, देख माँ बाप सहारा है तू मेरा। बोलू तू ढंग से नहीं कर रही काम, पता है मम्मी के तो बहुत अच्छा खेल रही है मम्मी, तो तेरा तो यहाँ से लेंगे दोबारा पायल गोलू के डायलॉग से। रोलिंग एक्शन। यार मम्मी मैं कैसे आपकी मदद करूँ, मेरे पास तो खुद पैसे नहीं होते, अगर मुझे पैसे चाहिए भी होते तो मैं पायल से लेती हूँ, और अगर मैं उसमें 100-200 रुपए निकालूंगी भी सही ना तो पता चल जाए, क्योंकि हम लोग सारा कैश काउंट करके रखते हैं। तो बता मैं किसके पास जाऊँ, मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकती ना, अगर 100-200 रुपए करूंगी भी सही ना। क्या कर रही है, तुझे तो कुछ करना नहीं आता यार, मैं अपनी तरफ से करती हूँ, ठीक है, तू अपनी तरफ से कुछ नहीं करती ना। चलो ठीक है गोलू, थोड़ा सा अपने अंदर की क्रिएटिविटी भी दिखा रहा है तू, तो मतलब पानी बोलते तो पानी ही बोलती तू तो। ठीक है ओके वंस मोर रोलिंग एक्शन। अब तू मेरी हेल्प करेगी, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा तो मैं इधर उधर से कर लूंगी, थोड़ी कर दे। यार मम्मी मैं आपकी कैसे मदद करूँ, सारा जो पैसा होता है ना वो पायल काउंट करके रखती है, मेरे पास तो खुद कैश नहीं होता, अगर मुझे चाहिए भी होता है तो मैं पायल से लेती हूँ, और मोस्टली तो मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करती हूँ। तो फिर पायल के पास है तो मैं अभी पायल से जाके मांगू, मैं तो नहीं मांगती उससे। आप एक काम करो पायल से थोड़ी हेल्प ले लो, और पायल को बोल देना कि आप ना एक दो महीने बाद रिटर्न कर दोगे, वो दे देगी। ना ना मैं अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती एक पैसे के पीछे, पायल को बोलूं मुझे पैसे दे दे। एक बात बता तुम्हारे कहीं ऐसे नहीं है पैसे रखे हो कुछ, तुम मुझे चोरी निकाल के दे दे। मम्मी हर जगह में ना देखो अभी भी कैमरा लगा हुआ, हर जगह कैमरे लगे होते हैं, मैं आपको पैसे कैसे दूंगी? तो कैमरे बंद कर दे। तो एक काम करती हूं, मैं आपको बता देती हूं कि अलमारी में पैसे कहां रखे होते हैं, उसके बाद मैं कैमरा बंद कर दूंगी। ज्यादा नहीं लूंगी, पता चल जाएगा दिमाग। मेरी बात तो सुनो, मैं कैमरे बंद कर देती हूं और आपको बता दूंगी, आप खुद पैसे निकाल लेना, अगर कोई मुझसे पूछेगा भी ना फ्यूचर में कि पैसे कहां गए तो मैं बोल दूंगी मुझे क्या पता, कैमरे चेक कर लो, अगर कैमरे चेक भी करेंगे तो मेरे पे नाम नहीं आएगा। ठीक है हां, तो पहले कैमरे बंद करा, जा जल्दी से, मैं करके आती हूं। तालियां
वाओ परफेक्ट शॉट तालियां। मुझे पायल ने समझाया था। पता क्या गोलू को, गोलू डांट नहीं, गोलू को एक बार समझाने की जरूरत होती है। थोड़ा सा आप समझा दोगे ना तो कर वाली है। काटियो, काट रही है, काट रही है, खून निकल रहा है। वेरी गुड, ये ले बेटा, पापा को काटा, मजा आया। ये चार पेन में बहुत बहुत शार्प होते हैं बच्चों के दांत, ऐसे रखो ना। चलो भाई नेक्स्ट सीन बता दो। काट रही है, खाल पकड़ रही है, टुकड़ी पापा काटते हैं गंदी बात। काट भाई को, काट भाई, काट मेरे को नहीं, काट खा, खाल खा रही है, खाल खा रही है। मुंह देखो पूरा पूरा जोर लगाती है, गुस्सा कर रही है, गुस्सा कर रही है। क्या काटने के लिए दे दो मुझे मुंह। मम्मी को बोल रही हूं बोलना मत, और क्लैश हो जाएगी। एक्शन। यार मम्मी ने बोल तो दिया कैमरा बंद कर दे, पर कैमरा बंद कहां से होता है? इतना नहीं बोला होता, वो फटाफट आ चल के ठीक है, जल्दी जाते कैमरा बंद कर देती, ऊपर होता कैसे पता ही नहीं है। बस पता पता नहीं, ये तो बोलना नहीं है, पता पता वाली बात ठीक है। मम्मी ने बोल तो दिया कैमरा ऐसे देखते देखते जा। अरे कोई तो अंदर से। ओके स्टिल रोलिंग। कैसा सर? ठीक था, इसमें क्या था? टेस्टी करा नहीं, मारो तेरे दो मुंह पे। एक्शन। एक काम करती हूँ, आपको बता देती हूँ, पैसे ना अलमारी में रखे ड्रॉर के अंदर, पहले वाले ड्रॉर में, वहाँ से पैसे उठा लेना, दो घड़ियाँ रखी हुई। क्या मैंने, तुमने थोड़ी रखी है, रखी हुई है, ठीक है, मैंने रखी है दो घड़ियां। स्टिल रोलिंग। एक्शन। कैमरा कर दिया मैंने बंद, अलमारी के ड्रॉअर में पैसे रखे हैं। अच्छा हाँ, आप जाके फटाफट उठा लो, दोबारा ले, नहीं पता चलेगा, टाइम वेस्ट करो, फटाफट करो। खतरनाक एक्ट हो गया मेरे सास। जाओ जाओ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंटी। रखी रखूंगी मम्मी, रखूंगी, अभी बाहर रख दी। पैसे दे ले, 5000 चोरी करने आए मम्मी, 5250 रुपए। मैं कहूंगी, मैं कहूंगी बता, है अभी टोटल ये 5000, ये गड्ढे 5000, कितना का तो मैं पान खा जाती हूँ। तू देखेगी ऐसे, मम्मी चोरी करती है अंदर, ठीक है, टीवी का तो चोरी का तो आएगा नहीं, कोई नहीं, वो मम्मी के दिखा देंगे ना टेक ऊपर से लेके। तो यहाँ पे उठ गया यान, बहुत देर से सो रहा था, यान का वेट हो रहा था, यान भी उठ गया है, ठीक है। तो अभी पायल का टेक है, तो जब तक बच्चे संभाल रही, चलो पायल आ जाओ, चले वहाँ से। तो यहाँ रहने दियो, पायल पे ही आ जाएगा, गोलू पे ही आ जाएगा। गोलू इधर एक बार बात करे ना पायल, तो पायल गोलू से नहीं, इतने आगे रही हो, वो तेरा आता रहेगा टेक, ठीक है, यहाँ से वाइट आ जाएगा पूरा। तो क्या क्या बंदी, तू उसको बोलियो, पता नहीं पायल क्या, अरे मैं देखती हूँ ना, नहीं नहीं पायल मैं बुलाती हूँ, किसी की टेंशन मत, तू जाएगी कैमरे की तरफ, ठीक है, घर का मैं चेक करवाती हूँ, घर के सारे काम देख के आई हूँ, मास्क नहीं थे, मास्क खरीद के लाई हूँ बाहर से। एक्शन भाभी आ जाओ। यार पता नहीं कौन आ गया इस टाइम, क्या हो रहा है घर में, कब से बेल बजा रही, बेल नहीं बज रही है, बेल क्या दोबारा ले, ये मैं बोलूंगी, किसने बोला, आप मत करो, मैं एक्शन के बाद रुकी इसलिए थी, आवाज आ रही थी ना उनकी, मुझे लगा उन तक आवाज नहीं, मैं करूंगी, आप टेंशन मत लो, एक्शन करो, मैं एक सेकंड बाद स्टार्ट करूंगी। डन डन डन। चीकू रोलिंग। एक्शन। यार पता नहीं कौन आ गया इस टाइम पे, अरे क्या हो रहा है, कब से बेल बजा रही हूँ, बेल नहीं चल रही है, दूसरा कैमरे नहीं चल रहे, क्या हो रहा है? पता नहीं, मुझे लगता कैमरे खराब हो गए शायद। पाल तू इतना क्यों घबरा रही है? अरे कुछ नहीं, वो जैद की थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी ना, इसलिए। कोई तबीयत खराब नहीं है, नहीं फीवर हो रहे से। चल पागल, मैं टीवी को देखती हूँ। अरे सुन, कैमरे ना खराब हो गए, काम कर, तू खिचड़ी बना दे बच्चों के लिए, मैं कैमरे चेक करवाती हूँ भैया को बुला के। अब तक तो तूने करे नहीं, जब मैंने बताया तो तू कैमरे देख रही है, मैं अपने आप कर लूंगी। यार पाल देखो, दोनों बच्चों को मंगलसूत्र पकड़ा हुआ है दोनों ने, वैसे बोलते हैं ना कि बच्चे मंगलसूत्र पकड़ते, चेन पकड़ते, दोनों ने पकड़ा हुआ है, ये अपनी सेफ्टी पकड़ के चल रहे हैं, कहीं गिराना दे हैं बेटा, हम ये पकड़ के चल रहे हैं कि भाई ये हमारा गोल्ड है, बाद में हमें दे के जाना, मंगलसूत्र थोड़ी देते, मंगलसूत्र नहीं देते, सही बात है, मंगलसूत्र साथ जाता है जब हम जाएंगे, आपको ये बोलना चाहते, कभी नहीं जाओगे जिंदगी भर, आप ये भी बोल सकते थे मेरे से पहले थोड़ी जाओगे, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बहुत प्यारे हो, कुछ बोला आपने ऐसा, बोला क्या बोला, बहुत प्यारे हो, चले चलो, मैं तो यहाँ तक आ गई, रुक मैं देखती हूँ, तुझे कुछ नहीं आता है, मेरा साइलेंट ठीक था। दो कैमरे लगा ना भाई, दो लगे थे, एक तो पूरा वाइड है, थोड़ा आराम से जाओ, मैं आराम से जाके आराम से खोलो, ये तो 5 की गड्डी है, 30,000 रुपये, मेरी 32,000 किस्त है।
चलो 2000 तो मैं अपने आप भरी होगी। रोलिंग एक्शन। तो डांटेगी ना क्या? मुझे पता है कि तू मम्मी को हेल्प कर रही है। अच्छा अच्छा मम्मी ना बोलो पागल है। हाँ जी ये क्या, मैंने बोलना था पहले गोलू गोलू मैंने अपना काम कर दिया, कितने देर में यहाँ आओगे आप, यहाँ से आओगे मैं छुपा लूंगी। डायरेक्शन कर रहे हैं आंटी, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है मम्मी, आपने पक्का काम नहीं किया। रोलिंग एक्शन। गोलू गोलू देख मैंने अपना काम कर दिया। क्या काम कर दिया मम्मी? कुछ नहीं, बस यहाँ से उठ के मत जा। अच्छा रनिंग में रहे अबे। ठीक है ठीक है, मैं जब बोलूंगी ना गोलू गोलू मैंने अपना काम कर दिया, आप भी फटाफट किसक आना, मतलब यहाँ रास्ते में मिलोगे। ठीक है मम्मी। ओके डन। मम्मी सिखा रही है। गोलू गोलू देख मैंने अपना काम कर दिया। क्या कर दिया मम्मी? अरे कुछ नहीं, मैं तो गोलू को वैसे मजाक कर रही थी। ठीक है पीछे कुछ नहीं ऐसी। अरे दिखाओ तो मम्मी। अच्छा ये मैंने ना आपके लिए निकाल दिया। ये तो यहाँ टेबल पे रखे हुए थे। मैंने आपके गोलू की बात सुनी थी, आपको पैसों की जरूरत है ना, इसलिए मैंने निकाल दे रखी थी कि आप खुद ले लोगे। चलो आप ले लो। आप मजा नहीं आया? नहीं आया। बकवास कर रही है गोलू, ऐसे निकालेंगे मम्मी की? क्या छुपा रखा है? क्या क्या हुआ? पहले मैं खुशी हो रही थी, खुशी होती मैं एकदम घबरा गई थी। ठीक है चलो फिर आप दोबारा सीख लो। मेरे को क्या ये पैसे? फिर आप बोला अरे ये पैसे तो बेटा वहाँ रखे हुए थे। हाँ आपने पहले ही बोल दिया पैसे वहाँ रखे हुए थे। सही बात है, आप वो भी ये क्या है पीछे, मैं कुछ नहीं। फिर आप कहने दिखा, मैं ये तो वहाँ रखे हुए थे, मैं तो गोलू को दे रही थी। मैं वहाँ पैसे पड़े थे, मैं तो गोलू को दे रही थी। गोलू गोलू मैंने देख अपना काम कर दिया। क्या कर लिया मम्मा? कुछ नहीं मैं तो वैसे ही ऐसी। क्या हो गया, आप बड़े खुश लग रहे हो, घबरा भी रहे हो, क्या हो गया? घबरा तो नहीं गई, वैसे गोलू से बात कर रही थी। अच्छा क्या है हाथ में, दिखाओ ना। कुछ नहीं मेरे तो। अरे दिखाओ तो। अच्छा ये पैसे आपको वहाँ मिले क्या? बोला है मम्मी ने वहाँ मिले हैं। आपने कहा ना कि ये आपके हाथ में क्या है, मैं कहा पैसे वहाँ पड़े हुए थे, मैं तो गोलू को दे रही थी। गोलू देख मैंने अपना काम कर दिया। क्या हो गया मम्मी? कुछ नहीं। क्या काम कर दिया? नहीं वैसे ही माँ बेटी की बात थी, बस बात कर रही थी। क्या हो गया, घबरा क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं मैं क्या घबराना है, मैं तो मेरा अपना घर है, मैं क्या घबराऊंगी। क्या छुपा रहे हो पीछे? अरे कुछ नहीं है। अरे दिखाओ ना क्या छुपा रहे हो। ये पैसे हैं वहाँ टेबल पे पड़े हुए थे, मैंने चल गोलू को दे दूं, कोई इधर उधर ना कर दे पैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये मैंने रखे थे मम्मी, आपको मिल गए? हाँ यहाँ पड़े हुए थे। ये आप ही रख लो। क्यों? मैंने ना आपके गोलू की बात सुन रही थी, आपको पैसों की जरूरत है ना। मैंने मैं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना मम्मी। कोई बात नहीं आप रख लो, आप अपनी जरूरत पूरी कर लो, जब आपका काम हो जाए आपके पास पैसे आ जाए तो मुझे दे दो। जो जैसे आएंगे मैं दे दूंगी। ठीक थैंक यू, ले लो। ठीक मिल गए पैसे। बहुत बढ़िया था ये एक्टर खराब है हमारा भाई। कैसे पीछे टांग पूरी हिला रहे थे ये एक्टर। अभी भाभी मेरी तरफ देख रहा था, एक्टिंग खराब करता है। इसको सिखानी पड़ेगी एक्टिंग। क्या कह रहा है? वो कह रहा है मेरी नानी को चोर बना दी है, हमें क्या शिक्षा देगी नानी। करते हुए कैमरों में भी पर मम्मी बड़ी है मुझसे, मैं कैसे बोलती हूँ? कैसे नहीं, मैं बोलना नहीं चाहती थी। ये तेरा फर्ज है मम्मी को ये बात समझाने का कि बेटियों के घर से मायके नहीं चलते। ठीक है नेक्स्ट फ्रेम कहाँ पे लगा? मैं बोल दूँ हाँ यार पाल तो सही बोल रही है, आज की बार ऐसी गलती नहीं है ना, मुझे माफ कर दे। रोलिंग एक्शन। गोलू अच्छी बात है कि जो मम्मी कर रही थी अच्छी बात है क्या? क्या हुआ पाल? मैंने मम्मी को देख लिया पैसे निकालते हुए, तू भी साथ दे रही मम्मी का। एक बात बता, इनको पता लग जाएगा कितनी बेइज्जती है मम्मी की। और कभी भी ना माँ का घर ना बेटी के घर से नहीं चलता, ये चीज़ पता है तुझे? मैंने तो देख लिया था पर मैं बोल नहीं सकती ना, अच्छा थोड़ी लगता है, मेरे से बड़ी है मम्मी, कैसे बोल दूँ कि आप घर से बेटी के घर से पैसे चला रहे। आराम से आराम से कर। कि गोलू जब तू बात कर रही थी ना मम्मी से, उस टाइम तो कैमरे ऑन थे ना, उस टाइम बाहर सब सुन रही थी, और बेटी अगर माँ के घर से नहीं चलता। ठीक है ध्यान रखियो, घर खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी, समझ में आई? मैं जब बोलूंगी गोलू ये अच्छी बात है क्या? हुआ क्या ये तो बता, तुझे सब पता है हुआ क्या है, मैं फिर भी बता देती। ठीक है ठीक है। रोलिंग एक्शन। गोलू हाँ पाल ये अच्छी बात है क्या? क्या हुआ? तुझे सब पता है क्या हुआ है, फिर भी बता देती हूँ। जो तुम अंदर पैसे चोरी करने की प्लानिंग कर रहे थे ना, वो सब सुनाई दिया मुझे, बाहर थी सब कैमरे में देख रही थी मैं। अच्छी बात है क्या ये? नहीं बार बार अच्छी बात कर रही है, छोटा सा मैसेज देना है, घंटा तो नहीं लगाना है। गोलू हाँ पाल अच्छी बात है क्या ये जो तुम कर रहे थे दोनों? तुझे सब पता है क्या कह रही हूँ मैं? जो तुम प्लानिंग कर रहे थे ना मेरे को सब पता है, मैं फोन में देख रही थी सब कुछ। माँ का घर ना कभी भी बेटी के घर से नहीं चलता है, अगली बारी करने से पहले ना सोच लियो कि तुझे घर जाना पड़ेगा अगर पता लग गया इनको तो। सॉरी पाल मुझे माफ कर दे। मेरे को क्या सॉरी बोल रही है, खुद का दिमाग नहीं है? तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और वाक्य में देखो माँ का घर बेटी के घर से नहीं चलता, ऐसे -1% घर है जब शादी होने के बाद बेटी मतलब इधर उधर करती रहती, बातें भी पैसे भी, तो वो घर कभी चलता ही नहीं।